हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिल और आज हम करने जा रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति का पार्ट नंबर 3, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इस वीडियो से पहले समकालीन विश्व राजनीति के दो पार्ट आ चुके हैं, शीत युद्ध का दौर और तो ध्रुवीयता का अंत। उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके उन्हें भी देख ले, ताकि आपको आने वाले कंपटीशन एग्जाम में हेल्प मिले। बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन करते हैं पहले इसकी। हमने देखा कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और दुनिया में कोई उसकी टक्कर का प्रतिद्वंद्वी ना रहा। इस घटना के बाद के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति रह गया है। अमेरिका ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए। 1990 और 91 में अमेरिका एवं उसके सहयोगियों ने इराक पर हमला किया। इराक पर किए गए हमले को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया और 9/11 को अमेरिका पर जबरदस्त आतंकवादी हमला हुआ। अमेरिका ने 9/11 के हमले के जवाब में अफगानिस्तान में तालिबान एवं अलकायदा के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। अफगानिस्तानी युद्ध को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया गया। मार्च 2003 में अमेरिका ने व्यापक विनाश के हथियार रखने का आरोप लगाकर इराक पर हमला किया और इराक हमले को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया गया। अमेरिका की आर्थिक वर्चस्वता को जापान, चीन एवं भारत जैसे देश चुनौती दे रहे थे। अमेरिका की प्रजातंत्रात्मक विचारधारा की वर्चस्वता को आतंकी संगठन अपनी आतंकवादी विचारधारा से चुनौती दे रहे थे। शीत युद्ध के पश्चात अमेरिका एवं भारत ने अपने संबंधों को परस्पर बेहतर बनाया है। इंट्रोडक्शन हो गया है, हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। शीत युद्ध के बाद विश्व बना हुआ है, तो इसका सही आंसर है एक ध्रुवीय। जो शीत युद्ध है उसके बाद विश्व है वो एक ध्रुवीय बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, 1990 और 91 में अमेरिका एवं विभिन्न देशों द्वारा इराक पर किए गए हमले को क्या नाम दिया गया, तो इसका आंसर है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, 9/11 की घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो इसका आंसर है जॉर्ज बुश है वो 9/11 की हमले के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति था। क्वेश्चन नंबर 4, मार्च 2003 के इराक हमले को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसका आंसर है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका की आर्थिक वर्चस्वता को चुनौती कौन दे रहा है, तो इसका आंसर है फोकस सभी जापान, चीन और भारत। क्वेश्चन नंबर 6, इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया, तो इसका आंसर है 1990 में। क्वेश्चन नंबर 7, 9/11 की आतंकवादी घटना के लिए किसे जिम्मेदार है वो माना जाता है, जिसका आंसर है तालिबान एवं अलकायदा को। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकन वर्चस्व का क्षेत्र है, तो इसका आंसर है अप्रोक्स सभी राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व राजनीति में अमेरिकन प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई, तो इसका आंसर है 1991। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है, जिसका आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, प्रथम खाड़ी युद्ध को। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1990 और 91 में। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इराक एवं अमेरिकी गठबंधन सेनाओं के बीच। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम खाड़ी युद्ध का क्या कारण था, तो इसका आंसर है अप्रोक्स सभी इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा, अमेरिका की युद्ध की इच्छा और सोवियत संघ का पतन। क्वेश्चन नंबर 14, दूसरा खाड़ी युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर है मार्च 2003 को। क्वेश्चन नंबर 15, दूसरा खाड़ी युद्ध किन के बीच हुआ था, तो इसका आंसर है इराक एवं अमेरिकी गठबंधन सेनाओं के बीच। क्वेश्चन नंबर 16, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कोसाबो में सैन्य कार्यवाही कब की थी, तो इसका आंसर है 1999। क्वेश्चन नंबर 17, पेंटागन क्या है, तो इसका आंसर है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है, तो इसका आंसर है 28%। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से प्रभुत्व या वर्चस्व का क्या अर्थ लिया जाता है, तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का एक ही केंद्र होना। क्वेश्चन नंबर 20, अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए, जिसका आंसर है बराक हुसैन ओबामा। क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति है, जिसका आंसर है बिडेन है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक रक्षा पर खर्च करता है, जिसका आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23, अमेरिका कब एक देश बना, तो इसका आंसर है 1776 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 24, दूसरा खाड़ी युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है मार्च 2003 में। क्वेश्चन नंबर 25, 9/11 की आतंकवादी घटना का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 26, 1881 में विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 27, अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर है 9/11। क्वेश्चन नंबर 28, सदाम हुसैन कब पकड़े गए? तो इसका आंसर है दिसंबर 2003 में। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम खाड़ी युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका आंसर है 1991। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोबारा। विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल अमेरिका में खुला है। अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा है। इराक ने कुवैत पर वर्ष 1990 में आक्रमण किया, जो इराक है उसने कुवैत पर वर्ष 1990 में आक्रमण किया था। प्रथम खाड़ी युद्ध सन 1991 में लड़ा गया। शीत युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय बन गई। 9/11 की घटना का संबंध किस देश से? तो इसका आंसर अमेरिका। पेंटागन अमेरिका में क्या है? तो इसका आंसर रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर 9/11 की आतंकवादी घटना। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के आक्रमण में लगभग कितने लोग मारे गए थे? जिसका आंसर है 3,000 लोग मारे गए थे। अमेरिका में आजकल किन भारतीयों की मांग अधिक है? तो इसका आंसर है कंप्यूटर इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका ने इराक पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो इसका आंसर सन 2003 में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं समकालीन विश्व राजनीति के और भी पार्ट आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का लिंक है वो आपको सबसे पहले मिले, नोटिफिकेशन सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर दबा लें।